दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला मैगी। झटपट से बनने वाली बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। फ्राइड मैगी बना रहे हैं तो प्याज टमाटर तो कंपलसरी है। तो मैंने लिया है एक मीडियम साइज का प्याज, एक टमाटर और हरी मिर्च। अब हम प्याज को छील के महीन महीन कट कर लेंगे। जैसे ऑमलेट वगैरह में प्याज कट करते हैं, सेम वैसे ही हमें प्याज को कट कर लेना है। फिर हमने छोटी छोटी हरी मिर्च कट कर ली हैं। फिर हमने टमाटर को भी सेम ऐसे ही कट कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। तो हमारे प्याज टमाटर मिर्चें कट चुके हैं, तो हमने पैन को हीट करने के लिए रख दिया था और थोड़ा सा ऑयल डाल के गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो गया है। याद रखिएगा, जब तक ऑयल से धुआं ना निकले तब तक हमें प्याज वगैरह को नहीं डालना है, वरना तेल की कच्ची महक आने लगती है। हमने अपने ऑनियन को पैन में डाल दिया है, हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे नमक, फिर डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, फिर हमने डाला है बहुत थोड़ा सा लाल मिर्चा, क्योंकि ऑलरेडी हमने हरी मिर्च डाल दी थी इसलिए हमने मिर्चा कम रखा है। फिर हम इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे, फिर एंड में हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस और फिर चिली सॉस डालेंगे। अब बारी आती है मैगी डालने की। मैगी डालने से पहले हम डालेंगे पानी। पानी उतना ही डालिएगा जितने में मैगी बन जाए, और उससे ज़्यादा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैगी डालने के बाद हम डाल देंगे मैगी मसाला। ये देखिए पलटते पलटते मैंने मसाला बाहर ही गिरा दिया था। और अब हम मैगी को सॉफ्ट होने तक ऐसे तोड़ते रहेंगे। अब इसे ढककर कुक करेंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटा के बचा हुआ पानी को अच्छे से ड्राई कर देंगे। ये देखिए हमारा बचा हुआ पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और हमारी मैगी एकदम बढ़िया बनके तैयार हो गई है। अब हम करेंगे प्लेटिंग। अगर आपको धनिया पसंद है तो आप बनाने के बाद ऊपर से धनिया डाल सकते हैं। मैं नहीं खाती इसलिए मैंने अवॉइड किया है। रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।